बॉस। सही बोलता था तू आयुष्मान, साला जला ही देना चाहिए था, साला गाड़ी देना चाहिए था। तू जा यार, तू जा। सुना ना तूने, ये शिव बॉस का भाई निकला ब्रदर। ये बॉस होश से नहीं जोश से काम ले रहा है, लेकिन मैं जोश में नहीं होश से काम लूंगा। सही समय पर सही पत्ता डालकर। अरे डैडी, जब तक ये 2-3-5 खेलेगा ना, उससे पहले तो वो साला शिव और अंकिता वो बॉस की लॉरी में साला हनीमून मना लेंगे। है? मैं केकड़ा, एक मिनट, जब्बार भाई, डैडी अभी क्या अभी जब्बार भाई को फोन लगाए, ऑन द स्पॉट इसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। बाबूजी आधा दिक्कत क्या है बाबूजी? बाबूजी शिव, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि बाबा के दरगे पे माथा टेकना है, उसके बाद ही बनारस जाएंगे। आज दरगाह जाएंगे, आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम जेल से बाहर आ गए हो, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि बाहर आने के लिए उस गुंडे की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भैया, भैया अंदर आइए ना। नहीं नहीं, वो मुझसे काम हो नहीं पाया तो वो सत्यकांत जी के पैसे लौटाने आया हूँ। भैया आप अंदर आइए ना भैया, प्लीज प्लीज अंदर आइए ना भैया। मैं दरगाह जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो कि नहीं? हाँ बाबूजी, भैया भी साथ चलें। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल में डाल। पर भाई हमने कुछ नहीं किया। ये ले भाई, अपना इलाज करा। ये लो, जयराम जी की जी। ये जब्बार भिखारी फूट गई। टंकी नहीं, तुम्हारा भांडा फूट गया। ये देखो
कल रात राजनीति के इतिहास की सबसे शर्मनाक रात रही है। सारा भारत देश ये देखकर दंग रह गया। मंत्री विश्वास प्रधान के 25 एमएलए कल देर रात वेश्याओं के साथ पकड़े गए और वो भी पूरे मीडिया के सामने। मीडिया को उस जगह बुलाने वाला अज्ञात व्यक्ति अपने आप को एक सोशल इलेक्शन कमिश्नर ने अब इन सारे एमएलए को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है और रूलिंग पार्टी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो हंग असेंबली के लिए भी तैयार है, लेकिन इन एमएलए का सपोर्ट वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। हर पार्टी मेरा पावर सत्ता तक पहुंचना होता है गया। और बीवी भी कुत्ता कमीना ठरके अवर सन। हां इसलिए हर वीकेंड गायब हो जाता था। खुर्ची छीन ली थारी। अगली बार बाबूजी पे वार क्यों तो पैर के नीचे से जमीन खींच लेंगे सारी। यो बॉस की वाणी नहीं भविष्यवाणी है। ए बॉस! अंकिता का आना बहुत जरूरी है सर। शिवानी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है और उसकी मॉम आईसीयू में है सर। शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसलिए मैंने सोचा कि सर अगर एक बार अंकिता शिवानी से मिल लेती तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा भी अंकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, ले जा। लेकिन तेरी दोस्त शिवानी की मां को मरने की जितनी जल्दी है उससे जल्दी अंकिता को कर लिया ना। समझ गई। मैं उसे जल्दी कर भेज दूंगी। जा। हरी आप डिंपल, शिवानी बेचारी क्या हुआ? अरे मैं तुझे शिवानी से नहीं शिव के पास ले जाने आई हूँ। What? अरे शिवानी की मॉम को कुछ नहीं हुआ है। चल उसे फोन तो कर। ये ले मेरा फोन। हेलो शिव। कौन? अंकिता? कैसी हो तुम? अब तक ठीक नहीं थी पर आज तुमसे मिलके ठीक हो जाऊंगी। एक्चुअली मैं भी बाहर जा रहा हूँ अपने भैया से मिलने। आज उन्होंने एक पार्टी रखी है, तुम लोग भी वहाँ आ जाओ ना। बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया भैया ने। अच्छा मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दो, हम वहीं पहुँचते हैं। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ।